हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास पीके पॉन फिजिक्स ओरिजिन। बच्चों, जैसा कि तुम बैकग्राउंड में देख रहे हो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो डोंट मिस द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल द एंड। बच्चों, एक्चुअली जब हम लोग डिफरेंशिएशन का बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे दिमाग में एक चीज़ बार बार घूमता है, वही डिफरेंशिएशन को हम फिजिक्स में यूज कैसे करते हैं, ठीक नहीं? हाउ टू यूज डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो देखो, वेरी सिंपल है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई इसका यूज ना हम लोग 11, 12 दोनों में करते हैं। भाई विदाउट डिफरेंशिएशन हम लोग फिजिक्स को पढ़ते रहते हैं और बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती नहीं है, ठीक नहीं? तो उसी को दूर करने के लिए मैं ये टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली ये 11, 12 दोनों के बच्चों के लिए है। दोनों, अगर 11, 12 दोनों के बच्चे इसे अगर नहीं पढ़ोगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक मेजर टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स में, है कि नहीं? जो कि आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना, आपका जो थ्योरीज होते हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखो तो भाई, यहाँ पर देखो सबसे पहला क्या है भाई, कि अगर मान लो कि हमको पोजिशन पता है, ठीक है, देख लो ये पोजिशन है, ठीक है, स्थिति जिसको बोलते हैं, है ना। अब पोजीशन का मतलब है कि हमको डिस्प्लेसमेंट भी पता हो सकता है, डिस्टेंस भी पता हो सकता है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पता है या पोजीशन पता है, और भाई हमको वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग करते क्या है, सुन लो भाई। जैसे मान लो ना कि पोजीशन को कोई फंक्शन दिया रहेगा, जैसे मान लो कि हमको एक्स पता है, ठीक है, देखो ये आपका एक्स है। अगर हमको एक्स पता है या फिर एस पता है, ठीक है, या तो एक्स पता है या तो एस पता है, ठीक है, मतलब डिफ्रेंसिएशन के, सुनो, मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो पोजीशन है ना, उसका फंक्शन अगर हमको पता है, तो उस कंडीशन में भाई हम करते क्या है, सुन लो, ये जो हमारा एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? ठीक है, अगर पोजीशन मुझे पता रहेगा और पोजीशन को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इसी में बच्चे ज़्यादातर फंस जाते हैं, ठीक है। देख लो, अगर मुझे वेलोसिटी पता है, ठीक है, भी पता है, अगर भी का कोई फंक्शन मुझे पता है, ठीक है, और भाई तो हम क्या करते हैं, अगर इस वेलोसिटी को ना टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है, ठीक नहीं? मतलब भाई पोजिशन से हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, पोजीशन और वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं? अब देख लो भाई, अगर वेलोसिटी पता है, देखो इस तरह से भी रह सकता है, ये आपका हो गया आपका कितना डीवी बाई डीएक्स इंटू डीएक्स बाई डीटी, ठीक है, इस तरह से भी करके हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं? ध्यान दो, देख लो, देखो ये हो गया डीवी बाई डीएक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, है कि नहीं? और देखो, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, है कि नहीं? तो इस तरह से करके भी हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको करंट फाइंड करना है, ठीक है, चार्ज दिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, करंट के लिए फार्मूला होता है कितना डी क्यू बाई डी टी, है कि नहीं? यानी टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज को डिफरेंशिएशन करते हैं, है कि नहीं? ध्यान दो, अगर हमको, सुन लो, अगर हमको फोर्स पता करना है, एफ पता करना है, मोमेंटम हमको पता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम को डिफरेंशिएशन करते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से बाबू हम लोग डिफरेंशिएशन के हेल्प से ना, सुन लो, डिफरेंशिएशन के हेल्प से ना, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके अनदर फिजिकल क्वांटिटी को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देख लो, यहाँ पे चार पांच क्वांटिटी का यूज किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चार्ज अगर पता रहेगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट पता हो जाएगा। अगर हमको मोमेंटम पता है, पी क्या है, मोमेंटम हो गया, है कि नहीं? मोमेंटम मतलब क्या, संवेग हो गया। क्यू क्या है, चार्ज हो गया, चार्ज का मतलब क्या, आवेश हो गया, है कि नहीं? तो मोमेंटम को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको फोर्स पता हो जाएगा, बल पता हो जाएगा, है कि नहीं? अगर हमको एक्स पता रहेगा, ये पोजीशन पता रहेगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी पता हो जाएगा, है कि नहीं? अगर हमको भी पता रहेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन पता हो जाएगा। तो इस तरह से यूज हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में, है कि नहीं? अब देख लो,
भाई इसका यूज पढ़ने के पहले जो है ना, जैसे मान लो कि अगर हम फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो भाई इसके यूज पढ़ने के पहले ना डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बनाए गए हैं भाई। मैंने कल इस रूल्स को डिस्कस भी किया था, है कि नहीं? अगर आपको वो रूल्स याद है तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन पे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं, उसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम तुमको सोल्व हो गया तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। देख लो, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, देखो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है ना भाई, अगर हमको एरिया पता रहेगा, ठीक है, अगर हमको एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? आपको पता है कि पाई एक कॉन्स्टेंट है और आर रेडियस है, ठीक है। तो अगर हमको, देखो एरिया तो हमको पता है, ध्यान दो, एरिया कितना दिया हुआ बताओ, पाई आर स्क्वायर। और अगर हमको यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, देख लो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड डी ए बाई डी आर, हमको डी ए बाई डी आर निकालना है कि नहीं? यानी आर के रेस्पेक्ट में ए का डिफरेंशिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, हम क्या करते हैं, डी ए बाई डी वाई डी आर, ये हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? देख लो हम क्या करते हैं बताओ, देखो यहाँ पाई तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं बताओ, डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का करते हैं, है कि नहीं? यहाँ कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, टू इंटू आर का पावर टू माइनस वन, यानी हम लिख सकते हैं पाई इंटू, सुन लो इसको लिख सकते हैं, टू पाई इंटू आर का पावर वन, यानी कितना आ जाएगा, टू पाई आर। देख लो कल मैंने रूल्स पढ़ाया भी था, उसी रूल्स को अगर आपको वो रूल याद होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक नहीं? देख लो आर स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स के पावर एन के फार्मूला में ब्रेक करेंगे, है कि नहीं? एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता था, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, टू इंटू एक्स आर का पावर टू माइनस वन, है कि नहीं? तो भाई पाई आर स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है ना कितना हो जाएगा बताओ, टू पाई आर, आर के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? देखो इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान दो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि बाई दिया हुआ है, ठीक है, बाई इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमको निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में बाई का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई, देख लो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना होगा बताइए, डी वाई डी एक्स, और बाई का वैल्यू कितना है बताओ, बाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पे तीन टर्म है, ठीक है, ये यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू के टर्म में आ गया। भाई जब भी कोई डिफरेंशिएशन यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू के टर्म में होगा तो हम लोग उसको क्या करते हैं ना, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स इंटू कितना, बी एक्स, और प्लस कितना, डी वाई डी एक्स इंटू कितना, सी, है कि नहीं? अब यहाँ से कितना होगा बाबू, ए को बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, टू इंटू एक्स का पावर टू माइनस वन, अब प्लस कितना, बी को बाहर निकालेंगे, यहाँ पावर वन है तो वन इंटू एक्स का पावर वन माइनस वन, प्लस सी का कितना, जीरो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है कि नहीं, कॉन्स्टेंट का कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ से कितना होगा बताइए, टू ए एक्स का पावर वन प्लस बी एक्स का पावर जीरो, है कि नहीं? और इससे मैं अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ तो हो जाएगा कितना, टू ए एक्स प्लस बी, बिकॉज एक्स के पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, है कि नहीं? देखो जब हम लोग इस छोटे छोटे क्वेश्चंस को बना लेंगे ना तो फिजिक्स वाला क्वेश्चन तो हमसे आराम से बनेगा, है कि नहीं? फिजिक्स में ज़्यादा सॉल्यूशन होता भी नहीं है, बस बहुत कम सॉल्यूशन होता है। अगर आप फिजिक्स को जेई के लेवल में जाके पढ़ोगे, नीट के लेवल में पढ़ोगे, तब इसका यूज हो सकता है कि नहीं? इलेवन ट्वेल्थ में तो उतना यूज भी नहीं होता है, होता है लेकिन उतना नहीं होता है कि नहीं? मतलब इतना ज़्यादा अगर हम पढ़ लेते हैं ना, इतना कंसेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं ना, तो फिजिक्स में किसी तरह के न्यूमेरिकल्स को हम बना सकते हैं, है कि नहीं? ध्यान दो, अब देख लो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन कहता है बाबू कि आपका, देखो एक इक्वेशन पता है मुझे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देखो कल मैंने एक रूल पढ़ाया था, है कि नहीं? देख लो एक रूल था भाई, यू वी रूल, पता है यू वी रूल क्या कहता है बताओ? यू वी रूल कहता था
यू को बाहर निकालकर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, भी का, अब प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। अब भी को बाहर निकालकर डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, यू का, है कि नहीं। ये क्या है, यू भी रूल हो गया, है कि नहीं। अगर कोई फंक्शन यू इंटू भी के टर्म में है, ठीक है, तो उसको यू भी रूल पर हम ब्रेक करते हैं, ध्यान दो। अब देख लो, अब यहां पर हमको निकालना है क्या, डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, देख लो। तो ये डीवाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है भाई। अब बताओ बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बाई का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू कितना, साइन एक्स। अब बताओ इसे मैं यू भी रूल पर ब्रेक कर सकता हूँ कि नहीं, है कि नहीं। देख लो यहाँ पर यू कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और भी कितना हो गया साइन एक्स। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लूंगा, है कि नहीं, और डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, साइन एक्स का। तो ये देख लो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब प्लस देख लो, इस बार क्या करूंगा भाई, साइन एक्स को बाहर निकाल लूंगा और डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, एक्स स्क्वायर का, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो तो भाई अब क्या करेंगे भाई, अब देख लो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू, अब बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए। देखो डिफरेंशिएशन उसी का होगा जिसमें डीवाई बाई डी एक्स लगा रहेगा, ठीक है, जिस टर्म में डीवाई बाई डी एक्स लगा हुआ है, जिस टर्म में डीवाई बाई डी एक्स इंक्लूड है उसी का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं निकालूंगा बाबू, तो साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस साइन एक्स इंटू, अब बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, है कि नहीं। अब देख लो, अब यहाँ से कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा कितना 2 साइन एक्स इंटू एक्स, है कि नहीं। यहाँ देखो एक्स बचेगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना एक्स बच जाएगा, है कि नहीं। अब बाबू अगर मैं यहाँ एक्स कॉमन ले लेता हूँ ना, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका x cos x प्लस 2 sin x, है कि नहीं। तो अगर कोई, सुनो, अगर कोई फंक्शन u भी रूल पे है, है ना, यानी u इंटू भी रूल पे है, तब सिंपल है, u को बाहर निकाल कर भी को डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस का साइन देंगे, भी को बाहर निकाल कर u को डिफरेंशिएशन करेंगे, है कि नहीं। आपको पता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 2 का पावर माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देख लो ये हमारा क्या था, थर्ड क्वेश्चन था, है कि नहीं। देख लो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब देख लो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ को हम सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन में भी उसी रूल पर ब्रेक किया गया है, सुन लो, ये भी यूही रूल पे ही है। तो भाई इसे भी हम लोग इजिली बना सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इंटू, पता बाई का वैल्यू कितना है, ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स, है कि नहीं। अब यहां से ई का पावर एक्स को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, साइन एक्स का, ठीक है। अब प्लस का साइन लेंगे, साइन एक्स को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, ई का पावर एक्स का, है कि नहीं। इसे यू भी रूल पे हम ब्रेक कर दिए, है कि नहीं। अब देख लो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा e का पावर x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, cos x, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका साइन x इंटू e का पावर x का कितना, e का पावर x ही होगा। अब बाबू अगर मैं यहाँ से e का पावर x कॉमन ले लेता हूँ, कितना बचेगा, cos x प्लस कितना, साइन x, है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर सुन लो, अगर डिफ्रेंसिएशन में y इज इक्वल टू कितना रहेगा, e का पावर x इंटू साइन एक्स रहेगा, देख लो ये u भी रूल पे हम ब्रेक करेंगे इसको भी, है कि नहीं। तो इसको इजिली बना सकता हूं मैं, ठीक है, देख लो। अब क्या कहता है, देख लो, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये जो है ना, ये u बाई भी रूल पे है, ठीक है, ध्यान दो। देखो मैंने u बाई भी रूल के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था कि भाई अगर डी वाई डी एक्स, सुन लो, अगर मान लो कि अगर u बाई भी के फॉर्मेशन में अगर कोई फंक्शन है, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, हम लोग कैसे निकालते थे, भी इंटू डी वाई डी एक्स इंटू कितना u माइनस, बीच में किसका साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे, है कि नहीं, और फिर कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका u इंटू डी वाई डी एक्स इंटू कितना, भी वाई कितना, भी स्क्वायर, है कि नहीं।
ये हो गया यू बाई वी रूल, ठीक है। तो बाबू यू बाई वी रूल पे ही इसको ब्रेक करना है, कैसे करेंगे देख लो। तो भाई यहाँ पे हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी वाई डी एक्स इंटू बाई का वैल्यू कितना है बताओ, लॉग एक्स बाई एक्स, ठीक है, ध्यान दो समझिएगा, देख लो। तो भाई यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे बताओ, ये हो जाएगा आपका, देखो ये जो लॉग देख रहे हो ना, ये जो लॉग आप देख रहे हो ना, ये आपका लॉग ई एक्स है कि नहीं, देख लो लॉग ई के फॉर्मेशन में है, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा लॉग ई एक्स है कि नहीं, ध्यान दो। तो भाई अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ यू बाई वी रूल पे, तब क्या कंडीशन होगा, तब कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो एक्स को बाहर निकाल लूंगा है कि नहीं, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होगा, लॉग एक्स का, और माइनस का साइन देंगे है कि नहीं। इस बार लॉग एक्स बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का, ठीक है। और बाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बाई एक्स, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा है कि नहीं, देख लो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, ध्यान दो। अब देख लो यहाँ से बाबू मैं क्या करूँगा, एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, वन बाई एक्स होता है, और माइनस ये आपका हो गया कितना, लॉग एक्स, और इंटू कितना, एक डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, वन हो जाएगा है कि नहीं, और बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा बताओ, वन माइनस लॉग एक्स, और बाई कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बाबू इस तरह से मैं डिफरेंशिएशन को फाइंड कर सकता हूँ यू बाई वी रूल वाला, कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ यू बाई वी रूल पे है कि नहीं, उसको बस रूल पे ब्रेक करते जाना है, कुछ नहीं करना है। रूल अगर आपको रूल पता है तो उसको रूल पे ही ब्रेक करते जाइए आप, ठीक है। देखो यू बाई वी रूल ये होता है, और यू इंटू वी रूल तो पहले वाला होता था जो हम बताए थे है कि नहीं, तो इस तरह से इसको हम ब्रेक करके बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान दो। चलो आगे ध्यान दो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देख लो भाई ये भी यू बाई वी रूल पे ही है कि नहीं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अगर हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया इंटू बाई कितना है बताओ, और कॉट एक्स बाई ई एक्स, कैसे निकालेंगे भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई एक्स को बाहर निकाल कर है कि नहीं। देखो ई एक्स को बाहर निकाल लिए, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे भाई, कॉट एक्स का, देख लो ये है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है कि नहीं, और फिर साइन माइनस का देंगे। इस बार बाहर किसको निकालेंगे बताओ, कॉट एक्स को बाहर निकालेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका होगा बाबू, ई एक्स का, और बाई कितना, क्लियर, बिल्कुल रूल पे ही ब्रेक किए हैं है कि नहीं। अगर आपको रूल याद है यू बाई वी का, उस रूल पे ब्रेक करके भी आप बना सकते हैं है कि नहीं। अब यहां से देख लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, e का पावर x इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स है कि नहीं, और माइनस कॉट एक्स इंटू e का पावर x का कितना होता है, वही हो जाता है, और बाई कितना, ये हो जाएगा e का पावर x होल स्क्वायर है कि नहीं। बाबू यहां से मैं क्या कर सकता हूं ना, कि e के पावर x को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, दोनों में e का पावर x कॉमन है, देख लो ये तो मल्टीप्लाई में है, देख लो ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जब e के पावर x को मैं कॉमन लेता हूं बाबू, तो यहां पर कितना बचेगा बताओ, माइनस कॉस एक स्क्वायर x, और माइनस कितना, कॉट x, ठीक है, e का पावर x को तो मैं कॉमन ले लिया हूं, e का पावर एक्स तो दोनों में था है कि नहीं, देख लो दोनों में e का पावर एक्स था। अब यहां से बाई कितना हो गया, e के पावर एक्स का होल स्क्वायर, यहां से e के पावर एक्स से e के पावर एक्स कैंसिल हो गया, और जो बचेगा हमारा रिजल्ट हो जाएगा है कि नहीं। तो भाई देख लो, देखो डिफरेंशिएशन में ना कुछ रूल्स अगर हमको पता है, ठीक है, कुछ फार्मूला अगर हमको पता है, तो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी होता है भाई, डिफरेंशिएशन हम बना सकते हैं इजीली है कि नहीं। और जब डिफरेंशिएशन हमसे बन गया ना, तो फिजिक्स के क्वेश्चन को भी हम डील कर सकते हैं, ठीक है, देख लो। अब नेक्स्ट में क्या है,
बाबू देखो नेक्स्ट में, हाँ नेक्स्ट में बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है कि नहीं। तो भाई ये तो वही क्वेश्चन है, इसको मैं बना सकता हूँ, है कि नहीं। ठीक है, अब देख लो भाई यहाँ पर ना, अब देखो एक टॉपिक है फिजिक्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन पर बेस्ड, अवकलन पर आधारित है ना, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को मैं देखूंगा उसके बाद में बात करूंगा, है कि नहीं भाई। अगर कोई क्वेश्चन अवकलन पर बेस्ड रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन अवकलन पर आधारित है तो उस फिजिक्स के क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूंगा। ठीक है, ध्यान दो। तो बाबू देखो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ लो एक बार क्वेश्चन क्या कहता है ना। पहले देखो क्वेश्चन बनाने के पहले ना उसको मैं पढ़ता हूँ, ठीक है भाई, उसके बाद मैं समझूंगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दो। कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी बाय द इक्वेशन, है ना, वेयर एक्स इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी, है ना। देख लो, देखो वेलोसिटी यहाँ पर जो है ना, देखो क्वेश्चन कुछ कंप्लीट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो। कहता है कि एक स्थिर बल की क्रिया के तहत एक आयाम में घूम रहे कण का विस्थापन जहाँ एक्स मीटर में है, टी सेकेंड में है, कण का वेग होने पर, कण का वेग जीरो होने पर है कि नहीं, यहाँ पर शून्य होना चाहिए। ठीक है, देख लो यहाँ पर थोड़ा मैं क्वेश्चन को सुधार लेता हूँ भाई, क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। ठीक है, देख लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कण का वेग शून्य होने पर, ठीक है, ध्यान दो, सुनोगे। कहता है कि एक, देखो एक हमारे टाइम का एक फंक्शन है, ठीक है, टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री है कि नहीं, और यहाँ पर हमको वेलोसिटी पूछ रहा है, विस्थापन निकालिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालने के लिए कह रहा है, विस्थापन। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी यहाँ पर शून्य दे दिया है। ठीक है, अब टाइम पता है बाबू और हमको विस्थापन निकालना है कि नहीं, कैसे निकालूंगा, ध्यान दो, देख लो है ना। देखो इसको समझता हूँ मैं कैसे बनाऊंगा इसे, देखोगे भाई, जैसे आपका जो है ना, देखिएगा हम लोग का टाइम कितना है बताओ, सॉल्यूशन देखो मैं इसका कर रहा हूँ, टाइम दिया हुआ है आपका रूट एक्स प्लस थ्री। ठीक है बाबू, यहाँ से अगर मैं रूट एक्स निकालता हूँ ना, तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा कितना, टी माइनस थ्री है कि नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो भाई ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस कितना, टू इंटू थ्री इंटू टी, और प्लस कितना, थ्री का स्क्वायर। यानी यहाँ से मैं एक्स लिखूँगा ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी, और प्लस कितना, नाइन। ठीक है, मतलब देखो टाइम का फंक्शन दिया हुआ था है कि नहीं, टाइम कितना दिया हुआ था, रूट एक्स प्लस थ्री है कि नहीं, और इस टाइम के फंक्शन में कह रहा ना कि वेलोसिटी जीरो होने पर, मतलब अगर वेलोसिटी शून्य हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन पूछ रहा है, विस्थापन क्या होगा है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पर एक्स को विस्थापन मान लिया और टी क्या है, टाइम है, विस्थापन जो मीटर में दिया हुआ है और टाइम किस में है, सेकंड में दिया हुआ है, क्वेश्चन का मतलब यही है कि नहीं। अब देख लीजिए, तो भाई अगर देखो अभी मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था भाई कि अगर मुझे एक्स पता रहेगा, ठीक है, और मुझे वेलोसिटी निकालना रहेगा, वेग निकालना रहेगा, तो बताइए वेग के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, है ना, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया था बाबू, देख लो इसी चीज को मैंने शुरू में बताया था, देख लो कि अगर आपको x पता है, मतलब विस्थापन पता है या पोजीशन पता है या डिस्टेंस पता है, ठीक है, दूरी स्थिति या विस्थापन, अगर तीनों में से कुछ भी पता है, और देखो ये x पता है मुझे है कि नहीं, और हमको वेलोसिटी निकालना था, वेग निकालना था, उस कंडीशन में मैं करता क्या हूँ ना कि जो दूरी विस्थापन या फिर जो स्थिति है ना, उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो बाबू जब उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, देख लो
तो देखो इस एक्स को हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या मिला, वेलोसिटी मिल गया, वेग मिल गया, है कि नहीं। अब यहां से डी वाई डी टी इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बताओ, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, क्लियर। अब अगर मैं ऐसे बाबू डिफ्रेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1 और माइनस 6 इंटू 1, टी का तो 1 हो जाएगा है कि नहीं, प्लस कितना 0, यानी यहां से वी का जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2t माइनस 6, ठीक है। आप देख लो, इफ वी इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, देन यदि भी बराबर 0 हो तब, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि अगर भी 0 होगा तो उस कंडीशन में हमारा x क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, तो भी 0 होगा तब क्या होगा बाबू बताइए, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 2t माइनस 6, और यहां से बताइए 2t इज इक्वल टू कितना 6 हो जाएगा, इसलिए t बराबर कितना आ गया 6/2, यानी कितना बताओ 6/2 का वैल्यू कितना होगा, 3 सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ये 3 बार में कैंसिल हो गया तो टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया, जैसे ही वेलोसिटी को मैंने 0 किया टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया, है कि नहीं। अब भाई इस 3 सेकंड पे हमको एक्स का वैल्यू निकालना था, है ना, समझिएगा। अब इस 3 सेकंड पे एक्स का वैल्यू कितना आएगा, देख लो एक्स का इक्वेशन कितना आया था टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, ठीक है, तो इस 3 सेकंड पे कितना होगा बताइए, तो एट 3 सेकंड एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना था टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, यही तो एक्स का वैल्यू था, देख लो एक बार फिर से देख लो एक्स का वैल्यू कितना आया था टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, है कि नहीं। तो बाबू यहां से अगर मैं निकालता हूँ वैल्यू इसका कितना हो जाएगा बताओ, टी का वैल्यू तो 3 सेकंड आ गया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 और प्लस कितना 9, यानी यहां से जाएगा 9 माइनस कितना 18 और प्लस कितना 9, ये देख लो 9 9 18 माइनस 18, और यहां से हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 3 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू कितना 0, है कि नहीं। बॉडी जो है ना 0 डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, है कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, है ना। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहने देता हूं, ठीक है। देख लो तुमने इस वीडियो को देखा, तुमने इस वीडियो को देखा भाई, तुमसे एक उम्मीद है मुझे कि तुम सपोर्ट करोगे, है ना। देखो मैं थोड़ा सा इस चैनल पर नया हूँ, ठीक है, तो जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसे कमेंट में बताइए, है ना, मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और क्या सुधार कर सकता हूँ, है कि नहीं भाई। जितना बनेगा ना, जितना हमसे पॉसिबल होगा ना, उसमें हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छा होगा, है ना, और अच्छा भी रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए थैंक्स।